कितना जानते हैं आप मेरे घर के बारे में? ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके लिए मुश्किल नहीं बनूंगा। क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? जबरदस्ती से तो मत कहो, मैं बस सब कुछ छोड़कर यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया। आई लव यू। बट आई डोंट लव यू। मर गया क्या? हाँ मामा। डैडी? 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 छोड़ो, एयरपोर्ट जाओ और कम होम। आई एम मिसिंग यू। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? अर्लीस्ट पॉसिबल फ्लाइट फॉर मॉरिशस। इस वक्त जो फ्लाइट्स का स्टेटस आ रहा है उसके मुताबिक तो 8 दिन बाद सीट अवेलेबल है, वो भी चांस पे। 8 दिन बाद? तब तक मैं क्या करूंगी? मैं एक फैमिली को जानता हूँ, एक माँ है, एक बेटा, एक बेटी है, बहुत अच्छे लोग हैं। आप उनके यहाँ पेइंग गेस्ट बन जाए। पेइंग गेस्ट? ये होटल से ज्यादा सेफ है क्या? सही तरह दबाओ ना, रुई रखी है हाथों में क्या? मैं आपको दबा क्यों? माँ को तो दबाना ही नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाए। मैं अली, आपसे बात हुई थी असर ट्रेवल से कुछ देर पहले फोन पे। अम्मी ये है पायल, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती है ये दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। आते ही पता चल गया होगा तुम्हें बेटा कि मेरी निदा को भूलने की बीमारी है। वैसे भी घर में शोर ना हो तो कब्रिस्तान लगता है, इसलिए तो मैं बोलती रहती हूँ। कौन है वो? सर अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता। अली मोहब्बत कभी झूठ नहीं बोलती, इसकी बात जरूर मान। कौन कौन है? शर्मिंदा करवा दिया ना मुझे। तो ये आपका घर है? आपने बताया कि नहीं मुझे? अगर मैं उस वक्त आपको बताता तो शायद आप इस घर में ना आती, क्योंकि आपकी हालत ऐसी नहीं थी और मैं चाहता था कि आप फौरन किसी सेफ एंड सिक्योर जगह पे पहुंच जाएं। ये वो घर और लोग हैं जिन्हें मैं सिर्फ पिछले 24 घंटों से जानती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे 24 साल हो गए मुझे यहाँ पे। कब से जानते हो पायल को? सिर्फ कल से। प्यार करते हो उससे? क्या मुश्किल सा सवाल पूछ रही हैं मेरे से, क्या हो गया आपको? वैसे पायल मुझे भी अच्छी लगी है। अभी तुम वक्त लेना चाहते हो तो फिर जब तक वो यहाँ है तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैं घर में नहीं रहूंगा। लेकिन देखो बेटा, जब तक कोई रिश्ता कायम नहीं हो जाता वो एक गैर लड़की है। दो लड़के थे, गन पॉइंट पे मेरा बैग, सब कुछ ले गए। तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें बताया भी था कि शहर खतरनाक है, लेकिन तुम शुक्र करो कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पायल आई टोल्ड यू ना, उस मुल्क में मत जाना। इन हालात में मैंने अगर उसे शादी का कहा तो लगेगा जैसे सिचुएशन से फायदा उठा रहा हूँ। आप लोगों से ना मेरा कोई रिश्ता है ना कोई ताल्लुक, फिर भी इतनी मोहब्बत। तो बस फिर हमारी मोहब्बत को देखते जाओ। डर लगता है मुझे इस नाम से। मैं मानता हूँ कि इस वक्त मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो कहता है कि तुम्हारी खातिर कुछ भी कर जाना चाहिए। I'm a paying guest. ये कहकर लाए थे ना, तो अब मुझे जाने दे। मोहब्बत इर्तकाज मांगती है, ये एक ऐसी इबादत है जिसकी ना कोई कजा है और ना कोई वक्त है। अभी यहाँ कोई मंदिर है? अंदर जाके क्या करना तुमने? माथा टेकना है। हिंदू? तुम क्या कर रही हो? पायल क्या कर रही हो तुम? बैठो ना, बैठो। I'm sorry, काफी दिनों से भगवान की प्रार्थना नहीं की थी, सोचा आज कर लूं। तुम हिंदू? अली बहुत जज्बाती लड़का है, अगर तुम उसके साथ चल ना सको तो कम से कम उसे बता जरूर देना, ऐसा ना हो तुम्हें रास्ता समझकर साथ साथ चलता रहे। पायल
कुछ खाली करके चली गई हो। किसी को पसंद करना गुनाह है? मुझे लगता है गुनाह है, शायद तभी आपने ऐसा किया। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी वसीयत है कि मेरी नेता को इन सारे मामलात से दूर रखना। मैं बताने आया हूं कि मैं जा रहा हूं। वो तो हमें भी पता है, लेकिन कब? अभी। जब दुनिया को ये पता चलेगा कि इस घर का वाहिद कफील एक हिंदू लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर उसके पीछे दूसरे मुल्क ही चला गया, तो क्या वो निदा को कबूल करेंगे? अली, क्यों मेरी आखिरत खराब कर रहे हो तुम? तौबा नौज़बिल्ला, वो लड़की उसको कन्वर्ट होने के लिए कह गई। ऐ मेरे मौला, उसके दिल को फेर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे। अगर सब कुछ छोड़कर यहाँ से तुम्हारे लिए आए, I love you. But I don't love you. मुझे किसी प्रिंस चार्मिंग की जरूरत नहीं है जो यहाँ आए और इस कैद से रेस्क्यू करे मुझे। अगर आपको ये लगता है ना कि आप मुझे कन्वर्ट करके पाकिस्तान ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू मिस्टर अली, आपकी कोशिश की वजह से मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड मुझ तक वापस आ गई। आई होप आपको मालूम होगा वो लड़का लिया है भैया, इसने पायल की हेल्प की थी पाकिस्तान। मालूम भी है क्यों आया? नहीं, क्यों आया? उसे शादी करके उसे यहाँ से ले आने के लिए। क्या? प्यार करता हूँ पायल से और शादी करना चाहता हूँ। शट अप, डोंट गिव मी ऑल दिस सूडो लव शब बकवास। हां ऐसा चाहिए, मैं तुम्हें पैसा देती हूँ, लेकिन अपनी बच्ची मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैं जानता हूँ आप मोहब्बत से क्यों डरती हैं, लेकिन मैं वो शख्स नहीं हूँ आंटी। तुम सब वही हो, शक्ल डिफरेंट, नाम डिफरेंट, बट इनसाइड यू आर ऑल द सेम। हां फॉर गॉड्स सेक मामा, वुड यू टेल मी आपने क्या किया उसके साथ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है क्या? क्योंकि उसने और उसकी फैमिली ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। क्यों किया ये सब? एक बात बताओ, तुम्हें उससे प्यार वार तो नहीं हो गया? मुझे प्यार हुआ है, नहीं हुआ, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। वापस चले जाए प्लीज। जरूर, तो टिकट्स करवाओ, अभी चलते हैं। उसने मेरा बुरा करना होता तो उस वक्त करता जब मैं बेबस थी। Instead he took me home and you know that। आज मुझे उससे मिलके लगा जैसे वो अपने इरादे में और पक्का हो गया। आपको एक मुसलमान ने धोखा दिया, मुसलमानों से आपको डर लगता है। मेरे लिए हिंदू मुसलमान ये सब कुछ नहीं है, बुरे इंसानों से मैं डरती हूँ सिर्फ। And don't forget that you were a Muslim too, you gave me birth। Mr. Ali, इनकार का वो कौन सा दूसरा लफ्ज है जो आपको समझ आता है? बता दे, मैं वही बोल देती हूँ। प्यार है वो दूसरा लफ्ज। मैं मोहब्बत नामी लग्जरीज को अफोर्ड नहीं कर सकती। देखो पायल, तुम्हारी मामा के साथ, मेरी मामा के साथ जो कुछ हुआ वो रियल था, मैं अभी तक उसकी सजा भुगत रही हूँ। और मामा, आपके अंदर वो ही स्टोरी रिपीट होते हुए देख रही है। वो गलत देख रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मत दे हमें झूठी तसल्लियाँ, चले जाए अपने घर प्लीज। धुन में चलने से कोई फायदा नहीं। मेरी तलाश खत्म हो गई है। मिस्टर अली, You will have to convert them. तुमने मजहब को इतना बड़ा इशू क्यों बनाया है पायल? दुनिया का कोई मजहब इंसान को मोहब्बत करने से नहीं रोकता। तुम्हारी मामा को कन्विंस करने के, उन्हें खुश करने के और भी बहुत से तरीके हैं। और तुम खुद को हिंदू समझती हो ना? तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमान हो, क्योंकि तुम्हारा बाप मुसलमान था। यहाँ की लॉज बहुत सख्त है। You will be deported in few hours. दुनिया का कोई लॉ तुम्हें मेरे दिल से डिपोर्ट नहीं कर सकता। Doctor, is he okay now? Critical. He was hit in the head. Oh my God. बताएं, अली बच जाएगा ना? दोबारा अपने पैरों पे कभी नहीं चल सकेगा। मैं जो कभी अपना काट रहता अपने ही सोग में शाम तो चले। दुआ पूरी होने के बाद कौन मांगता है?